मैम, ऐसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय वक्फ बोर्डों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। 20 तारीख को देश के 19 वक्फ बोर्ड दिल्ली पधारे थे चर्चा करने के लिए। देश भर में स्टेट वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान में 48,000 से ज़्यादा शिकायतें हैं मुस्लिम समुदाय से। हमारे देश भर के ट्राइब्यूनल्स में लगभग 18,000 शिकायतें हैं, केसेस लंबित हैं। मंत्रालय के पास भी 800 केसेस आए हैं। 19 राज्यों के वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं, सीईओज हैं, उन्होंने क्या क्या उनको परेशानी हो रही है, किस समाधान की वो अपेक्षा करते हैं, इस विषय को केंद्र सरकार के सामने मेरे मंत्रालय के सम्मुख रखा इस निवेदन के साथ कि उनकी चुनौतियों का हम लोग त्वरित रूप से समाधान ला सकें। मैम, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो मैम रिजोल्यूशन था जिसमें उन्होंने अहमदिया कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम और काफिर डिक्लेयर किया था, उसको सेंटर ने मैम डिनाउंस भी कर दिया है, उस पर मैम वक्फ बोर्ड के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायिक अधिकार नहीं कि वो किसी भी समुदाय के धर्म को डिक्लेयर करें या उसको एक्सकम्युनिकेट करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी हुआ है। हम स्तब्ध हैं, हम आश्चर्यचकित हैं कि वक्फ बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में एक फतवे को सरकारी ऑर्डर का अंजाम दिया, ये भी गैर कानूनी है और हमने आंध्र प्रदेश से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी। I have said this yesterday, I am reiterating it today. The Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah, has said it on the floor of the House that he is ready for a discussion. He is the minister in charge of internal security. It is absolutely appalling why the opposition doesn't want the truth regarding the Manipur crisis, as they so call it, to come to the fore. We reiterate our request as BJP members that the opposition allow a discussion as has been enunciated by Shri Amit Shah. Ma'am, hindi bol sakte hain? Thank you, ma'am. कल भी मैंने कहा, इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान?